हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राकेश वर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर इस वीडियो में एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स क्लास नाइन्थ के बुक से, जो कि चैप्टर टू है आर डी शर्मा में। मतलब आर डी शर्मा की बुक के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ इसको, और बहुत ही ये बेसिक है। मतलब कि ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम बेसिक जाना चाहते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो पहले समझते हैं कि इस जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, है ना। यहाँ पर मतलब कि मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। पावर मीन्स मतलब किसी चीज़ के ऊपर हम कोई चीज़ रेज करते हैं, उसी को बोलते हैं पावर मैथमेटिक्स में। जैसे कि 2 to the power n, हम ऐसे पढ़ते भी हैं कि 2 to the power n। खैर, मतलब ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो हम लेकिन पढ़ेंगे रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स एकदम वो वास्तविक संख्याओं का वो सेट होता है जो सबसे बड़ा होता है, और जिसका यूज़ करके आप कुछ भी करते हो। मतलब रियल नंबर के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एग्जिस्ट करता है हमारे जीवन में फिलहाल अभी तक। मतलब कि रियल नंबर्स ही हैं जो सच में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि 1/2 इज रियल नंबर। नंबर लाइन जो होती है उस पर जितने भी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब जितने भी नंबर्स को आप इस समय या फिर कभी भी यूज़ करते होगे, वो सारे नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स होते हैं। मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके रियल नंबर्स बनते हैं। खैर, रियल नंबर्स के बारे में ज़्यादा बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर्स के ऊपर जब हम पावर यूज करेंगे तो उसी को बोलेंगे एक्सपोनेंट। जैसे 2 to the power n है यहाँ पर, तो ये जो n है वो क्या है, एक्सपोनेंट है किसका, 2 का। और 2 क्या है, बेस है, तो 2 को बोलते हैं बेस। और जो ये n है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर हम कहते हैं इसको पावर। और इसको पढ़ते हैं हम इस तरीके से 2 to the power n, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 to the power n, है ना, इसको पढ़ेंगे 8 to the power n। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर्स का जब हम पावर एज करेंगे, जो भी पावर लगाएंगे ऊपर एक्सपोनेंट, वो जब इंटीग्रल रहेगा तो क्या होगा उसमें, उस समय मतलब कैसे हम ऑपरेट करेंगे, वेरियस ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे, और कौन से लॉज हैं जिनको हमें जानना चाहिए, है ना। तो इंटीग्रल एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीजर से रिलेटेड, है ना, रिलेटेड टू इंटीजर। और इंटीजर आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, क्लास 8th में पढ़े होंगे, क्लास 7th में पढ़े होंगे, कि इंटीजर्स एक्चुअली होते हैं जैसे कि माइनस इन्फिनिट से लेकर के -4, -3, -2, -1, 0, फिर होता है 1, 2, 3, 4, .. ये सारे हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये जो इंटीजर्स हैं, यदि ये इंटीजर्स हम पावर में ले लें तो हम बोलेंगे इंटीग्रल एक्सपोनेंट ले रहे हैं हम रियल नंबर्स पर, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मतलब जो इस चैप्टर में बात होगी वो केवल इंटीग्रल एक्सपोनेंट की बात होगी। बाद में चल करके हम नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। नॉन इंटीग्रल मतलब क्या, जो इंटीजर ना हो, जैसे कि रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल होगा, उसको पावर में रेज करेंगे तो क्या होगा। जैसे बाद में चल कर पढ़ेंगे, क्या हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे 2 का पावर हम रेज करेंगे 1/2, तो 1/2 क्या है, इंटीजर नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर जब रेज करते हैं किसी भी रियल नंबर पर, तो कैसे हम ऑपरेट करते हैं, क्या फार्मूले हैं, क्या तरीके हैं, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस नहीं होता, सेम एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं हम सब, सारे लॉज जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑपरेट करने में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जो कि मैं टैक्टिक्स बताऊंगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा उसको भी, ठीक है। तो 2 to the power 1/2 हो गया, ये आपका ऐसा पूछ सकता है, या 2 to the power √2 हो गया, या फिर 4 to the power √3 हो गया, इस तरह का जो होता है ये, मतलब हम नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट के बारे में है, लेकिन अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे केवल इंटीजर वाले, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यदि हम किसी भी रियल नंबर का जो पावर है, यदि हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो क्या होगा। तो
देखिए किसी भी रियल नंबर पर, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जैसे कि 0.1 ले लीजिए। 0.1 क्या है? एक रियल नंबर है। इसका हम पावर रेज करते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 3, ठीक है, 0.1 to the power 3 पढ़ेंगे ऐसे। तो 0.1 to the power 3 है, इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए जब भी किसी रियल नंबर पर पावर कुछ होता है तो बेस को हम जितना पावर रहेगा उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे बेस में ही। मतलब कि 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 में ही कितनी बार, जितना ये पावर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। मतलब पॉजिटिव में यदि पावर रहेगा तो हम ऐसे ऑपरेट करेंगे सिंपली, ठीक है। लेकिन जब ये नॉन इंटीग्रल रहेगा तो ऐसे नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मान लो कि 0.1 का पावर यदि आपके पास 1/2 दे दिया तो इसको आप कैसे ऑपरेट करोगे? मतलब इसको ऑपरेट करने का तरीका अलग है, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पर हम कल समझ रहे हैं ना शुरू से, मतलब बहुत सिंपल तरीके से, कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रहेगा तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे, निगेटिव रहेगा किसी भी रियल नंबर का पावर तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे मतलब उसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम यूज़ करेंगे उसको, ठीक है, ये हम समझ रहे हैं। तो जैसे कि हम केवल क्या करते हैं कि बेस में, बेस को हम बेस में ही मल्टीप्लाई करते हैं जितना पावर रहता है उतनी बार। जैसे कि आप ही जान रहे होंगे बिल्कुल, जैसे 2 to the power 4 होगा तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में ही कितनी बार, 4 बार, मीन्स 4 टाइम्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, निगेटिव इंटीग्रल पावर। तो निगेटिव जब रहेगा तो कैसे ऑपरेट करेंगे? देखिए निगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो होता है इस तरीके से, a to the power -n हो गया मान लीजिए, तो क्या करेंगे, 1/a to the power n। पहले हम पॉजिटिव में कर करके, फिर ये जो पॉजिटिव में हो गया तो फिर हम जानते हैं कैसे करना है इसको, हमें करना है 1/a को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, एन बार, एन टाइम्स, मीन्स a into a into a into डॉट 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 कितने टाइम्स, एन टाइम्स, ओके। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक लेट हम यहाँ पे लेते हैं 10 to the power -2। तो 10 to the power -2 है तो कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसे सिंपल बनाना है। तो देखिए पहले निगेटिव हटाइए आप, निगेटिव हटाने का तरीका क्या है, यदि ऐसा रहेगा तो 1/a to the power n मैंने पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना, निगेटिव पावर होने का मतलब रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा जो भी रहेगा बेस में उसका, मीन्स 1/10 to the power 2 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ये, क्योंकि ये आ गया रेसिप्रोकल वाली कंडीशन में, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल होना, है ना। तो 1/10 to the power 2 जो है, अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हम जानते हैं कैसे, 10 into 10। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि कैसे हम पॉजिटिव पावर लेते हैं तो ऑपरेट करते हैं रियल नंबर्स पर, और निगेटिव इंटीजर लेते हैं तो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझते रहिए हर चीज़, क्योंकि जितना ही आप अच्छे से समझेंगे उतने ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो स्टिक टू मी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट है, ओके, यहाँ पर लॉज पढ़ लेते हैं। देखिए लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, जो इंटीजर्स का यदि पावर रहेगा, माने इंटीजर्स जो है पावर में रहेंगे किसी भी रियल नंबर के, तो हम कैसे, क्या मतलब उसके स्पेसिफिक लॉज हैं, क्या नियम हैं, कौन सा नियम होगा जिससे हम ऑपरेट करेंगे कई बहुत सारे ऑपरेशंस। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, जो कोई नंबर होता है, जैसे 2 होता है, मान लीजिए 1 है, तो 2 और 1 में हम प्लस ऑपरेशन लगाएंगे तो कैसे करते हैं हम, तो 2 + 1 आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 3 होगा। तो इसी तरीके से हम ऑपरेशन लगाएंगे तो किस रूल से लगाएंगे, जब पावर रहेगा इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, और एक नंबर है लेट यहाँ पर ले लेते हैं जैसे 0.01 to the power 2, और एक नंबर है आपके पास 0.2 to the power 3, और अब क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे ऑपरेट, क्या तरीके हैं, वो जानना होगा। तो हमें जानना पड़ेगा कि लॉ क्या है, मतलब कि जो इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स